हेलो स्टूडेंट, लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या ठाकुर से मैंने आपको पहले भी मिलवाया हुआ है और पिछले जो सेशन था उसमें आपने इसको देखा भी, आप लाखों लोगों ने देखा और आपके जो क्वेश्चन थे, इसलिए मैं एक स्पेशल सेशन ऐश्वर्या आपके साथ कंडक्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो बहुत सारे उनके डाउट्स होते हैं, उनको कई बार लगता है वो डिफेंस में नहीं जा सकते क्योंकि 12th के थ्रू एंट्री नहीं होती, पर आप एज अ गर्ल्स भी हैं और आपकी डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री भी हुई है बी के थ्रू, तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि गर्ल्स को किस तरह से एंट्री मिल सकती है। नंबर वन, जैसे CDS के थ्रू मिल सकती है या BE किया हुआ तो डायरेक्ट टेक्निकल एंट्रीज मिल सकती हैं या NCC के थ्रू भी मिल सकती हैं, पर उनको क्या क्या करना चाहिए और गर्ल्स के लिए डिफेंस कैसी फील्ड है, ये मैं चाहूंगा कि आप बताएं गर्ल्स को। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने अभी देखा कि जो सर ने बताया कि गर्ल्स के लिए क्या क्या है, तो हाँ, आप CDS का जो पेपर देते हैं सारी चीज़ें आफ्टर ग्रेजुएशन है। अभी बिफोर ग्रेजुएशन गर्ल्स के लिए कोई अभी ऐसा नहीं है कि आप जाकर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अभी जेंटलमैन कैडेट्स के लिए है कि आप जा सकते हो आफ्टर 12th, बट हमारे लिए जो है CDS का पेपर हमें क्लियर करना होता है टू गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू, तीनों चीज़ों के लिए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए। उसके अलावा आप हर किसी के लिए इंडिविजुअली आप अप्लाई कर सकते हो बाय गोइंग थ्रू देयर वेबसाइट, जैसे इंडियन आर्मी का ज्वाइन इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स का करियर एयरफोर्स है, ज्वाइन इंडियन नेवी वगैरह, तो ये जो वेबसाइट्स है इन पे जाकर आप उनका SSB की डेट्स ले सकते हो कि कब होगा SSB या कब इसकी ओपनिंग आएगी। तो उसके लिए जैसे मेरा है, मेरा टेक्निकल एंट्री था, टेक्निकल एंट्री के लिए आई अप्लाइड बेस्ड ऑन माय ग्रेजुएशन मार्क्स। उसमें एक एग्रीगेट होता है आपका ग्रेजुएशन मार्क्स में, व्हेन यू फिल इट अप तो हर ब्रांच के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट एग्रीगेट सेट किया जाता है, तो उस एग्रीगेट को अगर आप क्लियर करते हो, उससे ज़्यादा अगर आपका एग्रीगेट बनता है, देन यू गेट अ कॉल फॉर द SSB। मिनिमम कुछ 70% का ये रहता है कि आपको हर जिस भी ब्रांच में होता है अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम उतना होना चाहिए। उसके बेसिस पे बिफोर SSB दे जनरेट आउट द लिस्ट कि इतना हमने डिसाइड किया है कि इतना परसेंटेज आपका इस ब्रांच में होना चाहिए, सो दैट यू गेट अ कॉल फॉर द SSB। वंस यू गेट अ कॉल फॉर द SSB देन दैट इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट प्रोसीजर। फॉर दैट प्रोसीजर आपके फिर इस मार्क्स पे डिपेंड नहीं करेगा, फिर आपका पूरा परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा आपका SSB का परफॉर्मेंस। तो सिर्फ कॉल के लिए आपको चाहिए होगा आपका एग्रीगेट इफ यू आर गोइंग फॉर डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री एंड देयर इज एन NCC एंट्री। गर्ल्स के लिए जो NCC में आपको C सर्टिफिकेट क्लियर करना चाहिए टू गेट इन टू द SSB। अब गर्ल्स के लिए कैसा है, गर्ल्स के लिए ऐसा है कि हाँ, अभी रेशो कंपेयर टू जेंटलमैन कैडेट्स लेडी कैडेट्स का बहुत कम है। वी वे अराउंड 40 लेडी कैडेट्स एंड 200 जेंटलमैन कैडेट्स व्हेन वी पास आउट। हमारा जो बैच पास आउट हुआ था तो 240 में से ओनली 40 वेदर लेडी कैडेट्स। तो लेडी कैडेट्स, ये सिर्फ OTA का मैं बता रही हूँ, IMA में ऑल OTA चेन्नई में लेडीज थी, IMA का लॉट कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसमें पूरे जेंटलमैन कैडेट्स है, OTA गया में पूरे जेंटलमैन कैडेट्स है। तो ऐसे देखा जाए तो जो सिर्फ हमारा जो है, हमारा नंबर कंपेयर टू जेंटलमैन कैडेट्स बहुत कम है, बट आगे जाकर हमारे लिए स्कोप काफ़ी कुछ है। जैसे अभी परमानेंट कमीशन की जो बातें चल रही है, परमानेंट कमीशन मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, वी हैव टू ऑप्ट फॉर इट बिटवीन आर 3 and 4 ईयर्स ऑफ सर्विस दैट इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर परमानेंट कमीशन और नॉट। तो ऐसे चीज़ें धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं कि हमारा ये 10+4 वाला जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसको अगर परमानेंट कमीशन में कर देते हैं देन वी माइट बी एबल टू डू दिस जॉब फॉर आर लाइफ, जब तक हमारी रिटायरमेंट एज नहीं आ जाती, और फॉर वॉट एवर अमाउंट ऑफ टाइम वी वॉन्ट टू सर्व, मिनिमम 10 ईयर्स का शॉर्ट सर्विस में जैसा है, उतना सर्व करने के बाद भी वी कैन कन्वर्ट इट इनटू परमानेंट कमीशन। तो ये सब चीज़ें भी आ गई हैं और वी गेट अ ह्यूज स्कोप जब हम जाते हैं। जब मैं गई हूँ अभी जैसे यहाँ पे, तो आई हैव रियलाइज जितना जेंटलमैन ऑफिसर्स को मिल रहा है उतना ही लेडी ऑफिसर्स को भी वही सारी रैंक्स, वही सारी पोस्ट मिल रही हैं, टिल द पॉइंट दे आर लेफ्टिनेंट कर्नल टिल नाउ, तो वही सब चीज़ें एक्सप्लोर करने मिल रहा है। दे आर बीन सेंट टू फॉरवर्ड लोकेशंस, फॉरवर्ड पोस्ट टू सी हाउ देयर एरिया इज, एरिया फेमिलराइजेशन के लिए। कहीं पर भी ऐसा मेरे यूनिट में तो बिल्कुल नहीं माना गया है कि देर इज डिफरेंस बिटवीन अ लेडी ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन ऑफिसर। तो वैसे देखा जाए तो इफ योर यूनिट इज गुड, इफ यू योर वर्क एरिया इज गुड, देन यू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो बहुत अच्छा स्कोप मिल रहा है लेडीज को एज सच इन द फील्ड ऑफ आर्मी। एक और क्वेश्चन गर्ल्स ने पूछा हुआ है कि जैसे सपोज आपने BE के बाद IT ब्रांच थी, आपने अप्लाई किया,
तो गर्ल्स को अगर डिफेंस में जाना है तो उन्हें क्या क्या क्वालिटी है जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से डेवलप करना चाहिए? जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर से कोई क्वालिटी अगर डेवलप करना है तो मैं सबसे पहले बताऊंगी सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर जगह आप जब खुद को रिप्रेजेंट करो, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, आई शो माई सेल्फ। चीज़ों को इम्प्रूव करो अपने अंदर। अगर कुछ बुरा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वालिटी, यू सी अ पर्सन, यू सी समवन जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड यू रियलाइज कि हाँ ये क्वालिटी मुझ में नहीं है, तो उस टाइम पे यू कैन ऑब्वियसली ट्राई टू इनकलकेट दैट हैबिट इनटू योरसेल्फ। और ये चीज़ करना डिफिकल्ट नहीं है। इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ यू कंटिन्यू डूइंग इट, वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो यू कैन स्टिल कीप ऑन डूइंग दिस। एंड सेकेंडली, लाइक व्हेन यू आर बिटवीन योर फैमिली और फ्रेंड्स, यू डोंट टेंड टू फील नर्वस बिकॉज यू नो दैट कि वो लोग जज नहीं करेंगे। एंड इवन इफ दे डू थिंक समथिंग अबाउट यू, यू रियली डोंट माइंड इट दैट मच। तो ये चीज़ आप सिर्फ उनके साथ ही नहीं, विथ हुएवर यू स्पीक टू, अगर आप उनके सामने आप सोचो कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान क्या सोचे, आई नो दैट आई एम अ गुड पर्सन एंड आई नो दैट वट एवर आई एम डूइंग इज राइट, तो आप में अपने आप वो कॉन्फिडेंस आएगा। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो हम बोलते हैं वो यही सारी है कि हम सबको साथ लेकर कैसे चलते हैं, लीड बाय एग्जांपल। व्हेन यू टेल कि ये चीज़ करना सही है तो यू जस्ट डोंट टेल इट, डू इट, स्टार्ट डूइंग इट योर सेल्फ, पीपल विल फॉलो यू, दैट इज़ हाउ थिंग्स विल टेक प्लेस। तो चीज़ें खुद से करना, लोगों को हेल्प करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों को सुनना, लिसनिंग ईयर रहना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप बोलोगे। तो व्हेन यू टेंड टू लिसन टू पीपल स्टोरीज, यू रियलाइज देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट हैव नॉट हैपेंड इन योर लाइफ एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प देम। यू लिसन टू पीपल्स एक्सपीरियंस एंड यू लर्न मोर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप आपके इनिशियल स्टेजेस से सीखना शुरू करते हो, यू लर्न मच मोर देन कम्पेयर टू अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलने दोगे। तो जितना सीखते जाओगे आप शुरुआत से, दैट वुड हेल्प यू। एक और क्वेश्चन है हेयर कट को लेके, हेयर कट का ऐसा है कि हाँ अगर आप एक सिख लेडी कैडेट बनते हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन की आपके रिलीजन में अलाउड नहीं है हेयर कट, तो आपको बाल लंबे रखना अलाउड है, बट रेस्ट एवरीवन हैज टू गेट दिस हेयर कट डन। एंड ट्रस्ट मी, इट्स बेटर टू गेट दिस हेयर कट डन बिकॉज जैसा चेन्नई का मौसम है, जैसे चेन्नई की गर्मी है, व्हेन यू गेट द हेयर कट डन यू फील रिलीव्ड। मोर ओवर जो शेड्यूल है वहाँ का, इफ यू कीप योर हेयर लॉन्ग यू विल हैव टू टेक आउट द टाइम फ्रॉम योर स्लीप टू मेक योर हेयर, और सोने के लिए यू हार्डली गेट वन और टू आर ऑफ स्लीप। तो उसमें अगर आपको टाइम निकालना है बाल बनाने के लिए, देन दैट वुड बी मच मोर डिफिकल्ट। सो इट्स बेटर दैट ऑल द गर्ल्स आर फोर्सेबली मेड द हेयर कट। एंड जब आप सबके बीच में वैसे ही रहते हो ना, यू रियली डोंट माइंड, ठीक है चलता है, यू गेट टू गो अलॉन्ग विथ इट। आप सबको अपने साथ वाले लेडी कैडेट्स को वैसे ही देख रहे हो तो यू गेट यूज टू इट। वेज नॉनवेज का ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन बी वेजिटेरियन, कम्प्लीटली प्योर वेजिटेरियन फूड, चीज़ फूड जो है वहाँ पर अच्छा मिलता है, वेरी गुड क्वालिटी फूड एंड विथ रिच वराइटी। टाइम कम मिलता है बट यू कैन स्टिल ईट इट, जितना भी डिपेंड ऑन योर स्पीड। बट हाँ, देर इज़ वन सर्वाइवल कैंप जिसमें दे ट्राई टू मेक यू ईट नॉन वेज, एंड दैट इज़ बिकॉज दे ट्राई टू शो कि इफ़ बाई चांस अगर आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो उस प्रोफेशन में इफ़ बाई चांस यू गेट स्टक इन अ प्लेस वेर देर इज़ नथिंग टू ईट, देन इट शुडेंट बी कि जस्ट बिकॉज यू आर वेजिटेरियन यू डाई। सो फॉर दैट टाइप ऑफ कंडीशन आपको रॉ मीट खिलाया जाता है कि एकदम एडवर्स सिचुएशन में यू आर एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन। एक और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक साथ बता सकते हैं आप, डियर एनी ऑप्शन गो फॉर एसएसबी डायरेक्ट एसएसबी टीडीएस, और इसके अलावा टेक्निकल एंट्री में कोई एग्जाम होता है कि नहीं, दोनों एक ही क्वेश्चन से एक तरह से। जो टेक्निकल एंट्री है, टेक्निकल एंट्री से पहले कोई रिटन एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल एंट्री में हमारा जो कॉलेज का एग्रीगेट बनता है तो उस कॉलेज के एग्रीगेट के बेसिस पे आपको डायरेक्ट एसएसबी कॉल मिलता है। तो आपने जो कोई भी आपकी ब्रांच से आप अप्लाई कर रहे हो, इफ़ योर एग्रीगेट इज़ रियली गुड एंड दे इट क्रॉसेज द एग्रीगेट डिसाइडेड बाय द पीपल कि इतना मिनिमम
एग्रीगेट हो ताकि आपको एसएसबी कॉल आए, तो वो एग्रीगेट क्रॉस होते से सीधे एसएसबी कॉल है, नो सीडीएस, नथिंग टू बी गिवन, डायरेक्ट एंट्री है फॉर टेक्निकल। ऐश्वर्या, आपने काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, और देखिए आप लोग एक बात समझिए कि सीडीएस एक रिटर्न एग्जाम है, इसके अलावा एसएसबी में बहुत सारी डायरेक्ट एंट्री होती है, डिपेंड ऑन कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। आप बीई कर रहे हैं तो बीई की हर ब्रांच के लिए होती है, जैसे ऐश्वर्या का ब्रांच था आईटी, केवल 4 सीट थी ऑल ओवर इंडिया से, और इस 4 सीट में एक सिलेक्ट हुई है, तो हर एक सीट की ब्रांच होती है, इनका नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है। पर आपको इसके लिए अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपकी सोच और आपका एटीट्यूड, डिसिप्लिन, ये सब चेंज होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है, धीरे धीरे एंट्रीज बढ़ती जा रही हैं, तो मैं आप सभी गर्ल्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल करें, एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, एक ऑफिसर लाइफ स्टाइल मिलती है आपको, आपको एक पोजिशन मिलती है, तो आप कोशिश करें। और फिर भी कोई डाउट आए तो आप भेजिए, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐश्वर्या आएगी तो आप फिर से इनके डाउट सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं इस फील्ड में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।